दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज की पूरी फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ हम हैं और आज हम बात करेंगे मार्केट शेयर प्राइस इकोनॉमी और मार्केट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। तो मैं हिमांशु कुमार, आज बात करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स की। तो मार्केट आज सुबह से बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल रहा, बहुत ही अप एंड डाउन रहा। मार्केट काफ़ी ऊँचा गया, फिर नीचे आया और फिर निगेटिव में जाके बंद हुआ। सेंसेक्स 173 पॉइंट और निफ्टी 43 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ मार्केट में। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही उतार चढ़ाव था और कहना मुश्किल है कि क्या रीज़न रहा, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अप एंड डाउन हो रहा था। इधर यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने 15 डिस्ट्रिक्ट को लॉकडाउन कर दिया है पूरी तरह से। वो आप कह सकते हैं कि एक तरह का जो हॉटस्पॉट था यूपी में, उसको कंप्लीट शटडाउन कर दिया गया है। अभी जो कहा गया था वो तो ठीक था, लेकिन उसको 14 तारीख तक के लिए कहा गया किसी भी तरह का कर्फ्यू, आप समझिए एक तरह का कर्फ्यू ही होगा। तो 15 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके, क्योंकि वहाँ काफ़ी जो कोविड 19 के पेशेंट थे वो काफ़ी इंक्रीज कर रहे थे। इधर रेलवे ने कहा कि उनको 2129 करोड़ का नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने फ्रेट डिलीवर नहीं कर पाए इस कारण से। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इकोनॉमी है वो काफ़ी अपने आप में हर जगह कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। रेलवे में भी वही परेशानी चल रही है, लेकिन रेलवे में एक अच्छी बात है कि पिछले 3-4 दिनों से रेलवे का जो शेयर था IRCTC वो काफ़ी इम्प्रूव किया है और उसने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया है। इधर मुंबई में गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो आपको मास्क पहनना मैंडेटरी है, यानी बिना मास्क लगाए आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। एक तरह का कानून ही बना दिया गया, नियम बना दिया गया है। इधर SBI जो हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक है, उसने अपने इंटरेस्ट रेट को 2.75% कर दिया, यानी कि पहले से काफ़ी नीचे कर दिया क्योंकि मार्केट के हालात अच्छे नहीं हैं। ये पहले भी मैंने बताया था कि अभी जो बैंक है वो अपने किसी भी तरह से उनके जो इनकम है उसको रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि लेंडिंग हो नहीं रही है। बिजनेस का मेन, जो बैंकिंग का मेन बिजनेस होता है वो लेंडिंग ही होता है। इधर सॉफ्ट बैंक की बात करें तो WeWork ने सॉफ्ट बैंक पे केस कर दिया है, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही सॉफ्ट बैंक ने उनका जो डील था उस डील को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। लगभग 2 से 3 बिलियन का ये काफ़ी बड़ा डील था, जो कि WeWork के लिए एक बहुत बड़ा झटका है इस तरह के सिनारियों में। इधर US से ये भी खबर आ रही है कि US की बहुत ऐसी फैमिली है जो अपना ऋण नहीं दे पा रही हैं, इस कोरोना वायरस की वजह से उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और बहुत ऐसे ऑनर्स हैं जिनको ऋण टाइम से नहीं दिया। ये वहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इधर UN की बात करें तो UN ने कहा कि जो दुनिया की इकोनॉमी होगी अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास ही होगी, इससे ज़्यादा वो उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानना है कि अभी जो प्रॉब्लम कोविड 19 की वजह से है उससे अक्रॉस दुनिया इम्पैक्टेड है और उसकी वजह से जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको एक स्ट्रीमलाइन आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगा, इससे रिकवरी होने में टाइम लगेगा। इधर गोल्डमैन ने कहा कि इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो GDP होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6% ग्रोथ का होगा, जो ग्रोथ रेट होगा 1.6 का होगा, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 3 से 4% तो रहना चाहिए हमारे जैसे देश के लिए, लेकिन बाकी जो होगा वो आगे पता ही चलेगा। इधर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 34,000 करोड़ रुपये रिलीज कर रही है GST कंपनसेशन के लिए सारे स्टेट्स को। तो अभी के लिए इतना, कल फिर से हम पूरे फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ हम सारे OTT प्लेटफॉर्म पे हैं, स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र रीजन में हैं तो आप JioTV पे आप हमें देख सकते हैं, वहाँ पे भी हम अवेलेबल हैं। प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करके भी टैक्स फॉर वेल्थ आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।